नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि इत्र लगाकर तो कोई भी खुशबूदार बन सकता है, लेकिन असली बात, बड़ी बात तो तब है जब महक, खुशबू हमारे किरदार से आए, हमारे चरित्र से आए। चरित्र ही वास्तव में इंसान को सम्मान प्रदान कराता है। चरित्र के सामने ही इंसान का शीश झुकता है, और यही कारण है कि देवी देवताओं, साधु संतों, महात्माओं, महापुरुषों के सामने हम सहज ही अपने शीश झुका देते हैं। और ऐसे ही भाव लिया हुआ है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। ज्ञान आपको शक्ति देगा, लेकिन चरित्र आपको सम्मान देगा। ब्रूस ली। मित्रों, हमारे पूर्वजों और शास्त्रों ने हमेशा ज्ञान से अधिक चरित्र के महत्व को बताया है। आंकड़े कहते हैं कि पढ़े लिखे अपराधियों द्वारा किया गया नुकसान अशिक्षित अपराधियों द्वारा किए गए नुकसान से कहीं ज्यादा है, और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आज की शिक्षा बच्चों में चरित्र निर्माण करेगी। अच्छा चरित्र एक मजबूत निर्णय का परिणाम है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रलोभनों के आगे नहीं झुकूंगा। यह महसूस करना है कि मैं सभी सच्चे गुणों वाली आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की संतान हूँ। यह हमारे चरित्र को चमकाने का सबसे अच्छा तरीका है। मित्रों, बचपन से ब्रूस ली जी हम सब के हीरो रहे हैं, मार्शल आर्ट के बादशाह, और वैसे ही हम सब भी एक्ट तो ज़रूर करते रहे होंगे बचपन में। लेकिन ज्ञान से और साथ ही साथ सम्मान से और चरित्र से जुड़ा हुआ एक ऐसा सुंदर सुवाक्य भी उनका है, ये आज जानने को मिला। कहते भी हैं कि इफ़ हेल्थ इज़ गॉन, समथिंग इज़ गॉन, बट इफ़ कैरेक्टर इज़ गॉन, एवरीथिंग इज़ गॉन। लेकिन हम स्वास्थ्य की भी बात करते हैं, ये समथिंग भी क्यों जाए, हम तो आपको हमेशा स्वस्थ देखना चाहते हैं। और इसीलिए आपकी सेहत आपके हाथ में, आपके लिए आज लेकर आए हैं स्वस्थ जीवन के अवयव, जिसमें व्यवहार की जो भूमिका है उस पर आज सुंदर प्रकाश लेंगे। आइए सुनते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आयुर्वेद में कहा जाता है हमारे स्वास्थ्य के लिए तीन चीज आवश्यक है, हमारा व्यवहार, हमारा आहार और हमारा विहार। व्यवहार जो अच्छा व्यवहार, वो कहाँ से आता है? अच्छा व्यवहार करने के लिए हमारे अंदर शुभ भावनाएं सबके प्रति हो, हमारा दिल सच्चा और साफ हो, हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर हो, और मन जो है हमारा वो भी स्वच्छ हो, तो ही हमारा व्यवहार शुद्ध हो सकता है। अब तीनों चीजें कुछ कहां से कैसे शुद्ध किया जाए, इसका साधन है मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम अपनी अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं, अपने सत्य से जुड़ते हैं। योग और मेडिटेशन का परिभाषा ही ये है, योग मीन्स कनेक्शन, कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना। तो ये जो योग, जब हम सत्य और सच्चे दिल किसे कहते हैं, साफ दिल किसे कहते हैं, कहा जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी। तो अगर सच्चे दिल का मतलब यह है कि हमारे दिल में अगर सत्य है, सत्य माना मैं एक आई एम अ बीइंग, आई एम नॉट द बॉडी, तो बॉडी असत्य है, मैं आत्मा सत्य हूँ, सदा रहने वाली है, जन्म मरण से परे है, अपरिवर्तनशील है, परमात्मा सत्य है, आत्मा परमात्मा का संबंध सत्य है, और सृष्टि रूपी ड्रामा में कर्म सत्य है। ये चार बातें, इनसे जुड़ जाना, चलते फिरते उठते बैठते कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लाइफ है, इसी को हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। तो व्यवहार हमारा, राजयोग मेडिटेशन से हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारी दिल सच्ची साफ हो जाती है, जिससे हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर हो जाती है, या कहें बुद्धि स्पष्ट हो जाती है, उसमें हम राइट क्या है रॉन्ग की हमें डेफिनेशन समझ आ जाती है, और हमारा मन में पॉजिटिव विचार चलने लगते हैं, हमारी टीम पॉजिटिव हो जाती है। तो दोस्तों, याद रखें, अगर हम चाहते हैं हमारा व्यवहार ठीक रहे, तो हम अपने दिल को सच्चा और साफ रखें, बुद्धि को स्पष्ट रखें,
और मन को स्वच्छ रखें, इसके लिए राजयोग मेडिटेशन करना अति आवश्यक है। ओम शांति। तो अच्छा व्यवहार हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी, और अच्छे व्यवहार का एक अभिन्न हिस्सा है धन्यवाद कहना। वैसे आपको भी मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, राइट? क्योंकि रोज ही मैं आपको भारत माँ की गोद में बसे हुए सुंदरतम स्थानों की यात्रा कराता हूँ, वो भी बिना टिकट और बिना खर्चे। इसीलिए धन्यवाद तो बनता ही है, राइट? मजाक कर रहा हूँ आपसे, आपकी खुशी ही वास्तव में मेरी खर्ची है। तो आइए खुशी खुशी आज मैं आपको लिए चल रहा हूँ तेलंगाना की घाटियों में, एक बहुत ही प्रसिद्ध घाटी अरकू घाटी, जो देश विदेश के लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता है, और इसे तेलंगाना का ऊटी भी कहा जाता है। ओम शांति। चलिए आज जानते हैं अरकू वैली हिल स्टेशन के बारे में। अरकू इतना सुंदर प्रांत है कि इसको ऊटी ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। ये सुंदर सा अरकू वैली आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। अरकू वैली घर है अनंतगिरी और सुंकारीमेट्टा रिजर्व्ड फॉरेस्ट का। इन जंगलों में कई खूबसूरत पशु पक्षी देखने को मिलता है। अरकू वैली में बॉक्साइट भी काफी मात्रा में पाया जाता है। अरकू जाने के लिए विशाखापट्टनम से एक बहुत ही अनोखा रेलगाड़ी निकलती है। इस रेलगाड़ी को कांच का रेलगाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ डब्बे इसके एक बहुत ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल से बने हुए हैं। लगभग 50 गुहाओं से रेलगाड़ी जाती है। वास्तव में ये रेल का सफर ही काफी पर्यटकों को आकर्षित करता है। रास्ते में दिखते हैं बुर्रा केव्स, जिनको भारत का सबसे गहरा गुफाएं माने जाते हैं। ये वास्तव में कार्स्टिक लाइमस्टोन से बने हुए हैं। अरकू वैली एक गिरिजन प्रांत भी है। यहाँ के गिरिजनों द्वारा बनाया गया शहद, घर को सजाने वाले सुंदर सुंदर गुड़िया और मैट्स काफी मशहूर है। दक्षिण भारत देश की हिल स्टेशंस में अरकू काफी प्रसिद्ध है। ब्रह्मा कुमारीज अपनी सेवाएं अरकू वैली में कई दशाब्दों से कर रहे हैं। हर साल सितंबर में यहाँ विशेष योग तपस्या प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा प्रांत के कई ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ आके गहरी तपस्या करते हैं और यहाँ के सुंदर वातावरण में अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करते हैं। तो ये था अरकू वैली के बारे में कुछ अनोखे पहलू। ओम शांति। मित्रों, घाटियां तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन सचमुच अरकू घाटी ने तो दिल ही जीत लिया। इच्छा ही नहीं हो रही थी कि वहां से हम वापस आएं, वहीं जमे रहें, ऐसा लग रहा था। जब कभी भी आप वैलीज में जाते हैं तो आपने आवाज़ ज़रूर की होगी, क्योंकि जब हम आवाज़ करते हैं वो वापस हमारे पास ही आता है, और वो बहुत ही रोमांचित करने वाला अनुभव होता है। ये संसार आवाज़ों से भरा पड़ा है। हम कौन सी आवाज़ सुनते हैं, आज कुछ ऐसी ही बात लेकर आए हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। आइए ज़रा उन्हें भी सुनते हैं। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। दो दोस्त कहीं चले जा रहे थे। एकाएक पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, तुझे सुनाई दी क्या? दूसरे दोस्त ने कहा मुझे तो नहीं सुनाई दी। पहले दोस्त ने कहा चल मुड़कर देखते हैं। दोनों ने मुड़कर देखा तो एक सिक्का गिरा हुआ था। पहले दोस्त ने कहा कि ये सिक्के के गिरने की आवाज थी। सिक्का उठाया, दोनों आगे बढ़े। आगे बढ़े, थोड़ी दूर गए कि दूसरे दोस्त ने कहा कि मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है, तुझे सुनाई दे रही है क्या? पहले मित्र ने कहा मुझे तो आवाज सुनाई नहीं दे रही है। दोनों पलटे तो देखा कि एक पौधे के कांटे में छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी तितली फंसी हुई है, उसके पंख उलझे हुए हैं। दूसरे दोस्त ने तितली को कांटे से बाहर निकाला, तितली निरभ्र आसमान की तरफ उड़ गई। पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त से प्रश्न किया कि
तुझे सिक्के के गिरने की आवाज सुनाई नहीं दी, मगर तितली के रुदन की आवाज सुनाई दे गई, ऐसा क्यों हुआ? दूसरे दोस्त ने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया। उसने कहा कि तूने जो आवाज सुनी वो धन की आवाज थी, और मैंने जो आवाज सुनी वो मन की आवाज थी। नमस्कार। मित्रों, धन की आवाज तो पूरी दुनिया सुन रही है, आज जरूरत है मन की आवाज, मन की वेदना को सुनने की। और हरि की मन की चाहना यही है कि एक सुख शांतिमय जीवन हो, कलह मुक्त जीवन हो, जीवन में सफलता हो, जहाँ पे भी हैं हम आनंद ही आनंद हो। तो रुक कर, पलट कर और अपना पूरा जीवन लगाकर लोगों के मन की आवाज़ को सुनते हुए उनकी चाहना को पूर्ण करने का कार्य कर रहा है ब्रह्मा कुमारीज संगठन। आइए देखते हैं ये सेवा कार्य किस प्रकार चल रहा है। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा पावर ऑफ पॉजिटिविटी पर ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। ये वर्कशॉप विहासा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसमें पालम विहार सेवा केंद्र की प्रभारी बी के उर्मिल मुख्य वक्ता रही। उन्होंने कार्यशाला के दौरान स्टूडेंट्स को कार्य व्यवहार में रहते अपनी और दूसरों की मानसिक अवस्था की देखभाल के लिए कई प्रैक्टिकल बातें बताई। इस वर्कशॉप में महाराजा अग्रसेन एजुकेशनल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी एमके बंसल भी जुड़े थे। उन्होंने भी अपने कीमती अनुभवों से सभी को लाभान्वित किया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। गयाना में भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर के जे श्रीनिवास ने हाल ही में एंटीगुआ और बारबुडा का दौरा किया। इस दौरान उनसे ब्रह्म कुमारी संस्था के सीनियर राजयोग सिस्टर बीके पायल ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर के जे श्रीनिवास को बीके पायल ने ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज की जानकारी दी, तो वही श्रीनिवास ने भारत और गयाना के बीच व्यापारिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत से वैक्सीन की खेप गयाना आ चुकी है और मुझे खुशी है कि मैं भारत के साथ मिलकर कार्य कर रहा हूँ। मित्रों, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो एक बार तो जरूर हमारे मन में ये आता है कि लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। क्या कभी हमने ये सोचा है कि मैं ये करूँगा तो भगवान क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे? आज जरा इस पर भी आप विचार कीजिएगा, और कोई भी कर्म करने, कोई भी बोल बोलने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि यदि मैं ये बोलूँ, ये करूँ तो भगवान क्या सोचेंगे या भगवान क्या कहेंगे। तो निश्चित रूप से वो बोल और कर्म सुंदर और श्रेष्ठ होंगे, सुखदायी होंगे, आपको भी आनंद आएगा और साथ ही आपके पास जो हैं उन्हें भी सुकून का अनुभव होगा। तो आज खुश रहें और सबको खुशियाँ बांटें इन्हीं उम्मीदों, विश्वास और शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति।